सैयद जैद समान हामिद। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। वैसे तो ये अक्सर अपने नुस्खों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन आजकल ये पाकिस्तानी आवाम को भारतीय फौज के हमले से बचने के नुस्खों पर ज्ञान दे रहे हैं। इनका ज्ञान सुनकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। खैर, पाकिस्तान में ऐसे ज्ञानियों की एक लंबी फहरिस्त है जो अक्सर अपने बयानों की वजह से हंसी के पात्र बनते रहे हैं। दरअसल पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत हमेशा से ही कहता आया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। इसी को लेकर अब जैद हामिद, जो कि एक पाकिस्तानी टीवी होस्ट और राजनीतिक टीकाकार है, पाकिस्तान के स्वयंभू जैद अहमद बता रहे हैं कि अगर भारतीय सेना पीओके पर हमला करती है और भारत के साथ युद्ध होने पर पाकिस्तानी सेना पीछे हट जाती है, जो कि वो हमेशा से ही करते आए हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए। पहले तो आप पाकिस्तान के स्वयंभू जैद अहमद के नुस्खे को सुनिए। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है तो उस इलाके के उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। इनको अपने घरों की छतों से, अपनी गलियों से सड़कें ब्लॉक करें, उनकी मूवमेंट को रोकें, उनके ट्रकों को गाड़ियों को चलने से रोकें, उन पर हमले करें और उनकी मूवमेंट की इत्तलाएं पाकिस्तान आर्मी को पहुंचाएं। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें, कम से कम एक दो महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहां आपके पास आएंगे। बमबारी अगर होती है, जख्मी ज्यादा आते हैं, जंग ज्यादा आती है, तो खून देने की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ नहीं कर सकता, जो सेहत तंदुरुस्ती सलामती अल्लाह ने उसको दिया, तो कम से कम अपना खून वो पाकिस्तान के मुजाहिदों के लिए दे सकता है। आपको अस्पतालों में खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके पास जितना वक्त है, इस वक्त को जाया न करें, तैयारी करें। पाकिस्तानी स्वयंभू जैद अहमद भारतीय फौज के खिलाफ गोरिल्ला जंग के ऐलान की बात कर रहे हैं, लेकिन इन स्वयंभू को शायद ये नहीं पता कि ये भारतीय फौज है, घर में घुसकर कैसे मारा जाता है ये भारतीय फौज बखूबी जानती है। इसका उदाहरण पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त देख चुका है, बावजूद इसके पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों को समझ नहीं आता। जैद अहमद का बयान तब आया है जब अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके के लोग लगातार देख रहे हैं कि 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ी है, लोगों की जिंदगी बदली है। ऐसे में पीओके के लोगों में पाकिस्तान के लिए कोई आकर्षण नहीं बचा है। जो जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम तीन प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। लाल टोपी के नाम से जाने जाने वाले पाकिस्तानी सेना के समर्थक जैद अहमद को हाल ही में बीच सड़क पर इमरान खान के समर्थकों ने खूब पीटा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जैद हामिद को पाकिस्तानी सेना और ISI के सबसे बड़े समर्थकों में गिना जाता है। वो अक्सर टीवी पर लाल टोपी पहन पाकिस्तानी सेना के पक्ष में डींगे हाँकते हुए दिखते हैं। जैद हामिद के निशाने पर हमेशा भारत होता है। वे भारतीय सेना और भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से इतना डरते हैं कि हमेशा गजवाए हिंद का राग आलापते रहते हैं। जैद हामिद पाकिस्तानी सेना की झूठी तारीफों के अलावा दुनिया को परमाणु बम की धमकी भी देते रहते हैं, लेकिन इस बार वो पाकिस्तानी आवाम को भारतीय फौज के हमले से बचाने के तरीके बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।